मुझे अपनी जनता का यही हिसाब नहीं समझता, तुम रणबीर की अच्छी मूवीज देख के उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो जग्गा जासूस को गाली देने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। सच बता रहा हूँ, दिल दुखता है जब ऐसी मूवीज को लोग इग्नोर करते हैं। आज इस मास्टरपीस को इसलिए हम अप्रिशिएट करेंगे और देखेंगे टॉप 8 लेसन्स व्हाट रॉकेट सिंह टॉट अस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, और एंड में बताऊंगा क्यों मेरे हिसाब से ये मूवी फाइनेंशियली फ्लॉप गई, बॉक्स ऑफिस पे उतने पैसे नहीं बना पाई। रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। रिस्क इज इक्वल टू रिवॉर्ड। जो लोग मुझे पर्सनली या सोशल मीडिया से जानते हैं उनको पता होगा कि मैं इस चीज का, इस आइडिया का कितना बड़ा एडवोकेट हूँ। सिंपल हिसाब है, तुम जितना रिस्क लोगे उतनी जोर से गिरोगे या उठोगे, और अगर उठोगे तो उड़ोगे। हमारे बेदी साहब ने सही जगह पे बिना ओवरथिंक करे रिस्की डिसीजंस लिए, उसकी वजह से वो रॉकेट सिंह बना, वरना एक रेगुलर सेल्समैन बन के रह जाता। I'm calling from at your service computers. सेल्स दिमाग से नहीं दिल से किया जाता है। तुम नोटिस करना, सेल्स वालों का एक स्टीरियोटाइप बन चुका है जिसके अंदर वो हमेशा एकदम अग्रेसिव दिखाया गया है, एकदम वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट टाइप। रॉकेट सिंह इस स्टीरियोटाइप में बिल्कुल फिट नहीं होता है, बट फिर भी अपना इंटरव्यू क्रैक कर लेता है बाय हिज ह्यूमिलिटी। मुझे पर्सनली लगता है हम्बल लोग बहुत अच्छे से सेल्समैन बन सकते हैं, क्योंकि वो जब बेचते हैं तो ऐसा लगता है सेल्स पिच मानो दिल से निकल रहा हूं, और दिल से निकला हुआ कॉन्टेंट हमेशा कनेक्ट करता है। तो एक अच्छे सेल्समैन बनने के लिए दिल से सेल्स करो। ऐसा क्या करती है ये रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन? Perseverance will take you above and beyond. अब humble होने का मतलब ये है कि तुम sales से ज़्यादा relationships बनाते हो, और फिर उन relationships से और sales आता है। Perseverance तब काम आता है जब तुम्हारा client एक competition के पास चले गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे बात बंद कर दोगे। ऐसी situation में relationship अच्छी रखना काफी जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल business वहाँ से आएगा जरूर। तू तो मरवाएगा बे सबको। Oh, anti-corruption branch. Honesty is the best policy. पता है क्लीशे है, बट बताना जरूरी है, क्योंकि काफी कम बची है ऑनेस्टी बिजनेस की दुनिया में आजकल। हमारे रॉकेट सिंह यानी हरप्रीत सिंह बेदी इज अ बीकॉम पास आउट विद 37% मार्क्स। सेल्स के जॉब के ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव देके रॉकेट सिंह वहां पे एक जॉब ले लेता है, बट सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि उसे अपनी ऑनेस्टी की वजह से जॉब में डिमोशन और डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। बट वही सेम ऑनेस्टी ही हमारे हरप्रीत सिंह को रॉकेट सिंह बना देती है। ये सब ज्ञान देने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैंने पर्सनली इस आइडियोलॉजी को फॉलो करके एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप किया। एक कॉल आई है तेरी टेरिटरी से, दो पीसी की इंक्वायरी है। रेफरल क्लाइंट इज अ कन्वर्टेड कस्टमर। सेल्स और बिजनेस में एक सेटिस्फाइड कस्टमर की अहमियत भगवान से भी ज्यादा होती है। रॉकेट सिंह अपने कस्टमर्स के लिए काफी बार आउट ऑफ वे जाके काम करता है, इवन दो उसमें कोई भी फाइनेंशियल गेन नहीं था। एक सेटिस्फाइड कस्टमर सिर्फ तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं, तुम्हें भी प्रमोट करता है। इस वजह से वहां से आने वाला कोई भी बिजनेस फिर कहीं नहीं जाता। हम सबके साथ मिलकर काम करो, बाकी पार्टनर जितना हिस्सा लो। Hire people better than you and delegate work. Rocket Singh हमारा salesman था और salesman ही रहेगा। Business owners की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो सब कुछ खुद करना चाहते हैं। Rocket Singh ने खुद से better operations, customer support और tech support करने वाले लोगों को hire कर लिया, क्योंकि वो खुद अगर ये सब करता तो शायद काफ़ी mediocre job करता। और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो तुम उन्हें काम delegate करते हो और खुद का time focus करते हो business और sales करने में। So hire smart and delegate please. तुम पीछे से मिल कर सकते हो? हाँ। तुम इस कंपनी में पार्टनर भी बन सकते हो। ग्रो टुगेदर। फेल्ड बिजनेस मॉडल्स वो होते हैं जहां सिर्फ एक बॉस पैसा बनाता है एंड एम्प्लॉइज बस एक फिक्स सैलरी लेके आई थिंक मरने का इंतजार करते हैं। दुनिया की सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप वो होती है जहां कंपनी के साथ एम्प्लॉइज भी ग्रो करते हैं, फिर वो स्टॉक ऑप्शंस के फॉर्म में तुम्हें पैसे मिले या फिर सीधा अपफ्रंट मनी अकाउंट में। अब इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम्हारे एम्प्लॉइज भी ऐसा काम करते हैं जैसे कंपनी उनकी खुद की है, और सबको पता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर यू हैव अनदर वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट इन द मेकिंग। रॉकेट सेल्स कि तुम्हारी कमीशन से फूली हुई नाकों के नीचे से क्लाइंट्स ले जाती। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अ रियल थिंग। रॉकेट सिंह्स बिगेस्ट मिस्टेक वाज ही डिड नॉट गिव अ फ्लाइंग एफ अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पार्ट व्हेन ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपनी करंट जॉब के क्लाइंट चुराए। लुकिंग एट द सिचुएशंस इन द मूवी तुम्हें शायद ये जस्टिफाइड लगेगा, मॉरली शायद सही भी लगेगा, बट ट्रस्ट मी इट्स अ लेजिट क्राइम। और मूवीज की तरह लास्ट में कोई तुम्हें माफ नहीं करने वाला है, तो एक्साइट होकर गलती से भी ये गलती मत करना। हर मूवी चलेगी या नहीं है उसके फर्स्ट 5 शोज के रिव्यूज से पता चलता है। रॉकेट सिंह की मार्केटिंग काफ़ी गलत एंगल से हुई थी। मूवी को इन्होंने कॉमेडी एंगल से पुश किया था, जबकि मूवी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मोटिवेशन एंगल पे ज़्यादा थी। इसमें तुमको हेरा फेरी वाले पंचेज नहीं मिलेंगे, एवरेज बट रियल लाइफ जोक्स मिलेंगे। तो सब लोग जब थिएटर्स पहुंचे एक्सपेक्टेशन मिसमैच हुआ एंड उसके बाद मूवी फाइनेंशियली पिट गई। लेकिन मूवी ने अच्छा पिकअप तब किया वो जब हमारे ट्रेडिशनल OTT प्लेटफॉर्म्स पे आई एंड एवरीवन रियलाइज्ड डूड ये तो अच्छी मूवी है।
इस मूवी के फाइनेंशियल फेलियर का ब्लेम मैं ऑडियंस पे नहीं डालूंगा, मूवी के प्रमोटर्स ने अपना काम ढंग से नहीं किया। आयरनी ये है कि मूवी सेल्स पे बनी है, लेकिन एक मूवी है जिसके फेलियर का ब्लेम मैं ऑडियंस पे डालता हूं, तो उस मूवी को स्क्रीन में लिंक कर दूंगा, बताना तुम अग्री करते हो या नहीं। सो दैट वाज माय टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कॉन्टेंट पसंद आया तो तुमको पता ही है क्या करना है, थिंकर्स कम्युनिटी का अगर पार्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कॉमेंट्स में मिलकर डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट रॉकेट सिंह। ओके।